ആഗോളതാരുണീ മണ്ഡലമായിത്തേ ദാമോദര രാതി വർധന വേതേ ഹരി നിസ്ഫോട വൃന്ദാവിപിനേ ആവൃഷ ഭാനുദാദി നവസസി ലേഖേ ലളിത സഖി ഗുണ രമിത വിസാഖേ കരുണാ കുരുമൈ കരുണ ഭരിതേ കനക സനതന വർണിത ചരിതേ കരുണ കുരുമൈ കരുണ ഭരിതേ ത്രിരൂപ സനതന വർണിത ചരിതേ ജയ രാധേ ജയ ജയ മാധവ ഗൈതെ ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി ഹരി ായി ഗൗര ഹരി ബോല 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 നിതായി ഗൗര ഹരി ബോല ഹരി ബോല ഹരി ബോല ഹരി ബോല ഹരി ബോല ഹരി ഗൗരപ്രേമാനന്ദ ഹരി ഹരി ഓം ഹരി കൃഷ്ണ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാമന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ
राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम् हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्भरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमतिर रघुनाथ दास श्री जीव मिकुरुत मंद मतिर दयांग वराक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग आज श्रवण कर रहे थे मेरे गुरुदेव का आज जन्मतिथि था, उनका जो दिव्य चरित्र है उनका शिक्षा को ऊपर में हम लोग विवेचना कर रहे थे। इसलिए कहते जो छह तरह का जो शरणागति है उसमें एक शरणागति में एक लक्षण है गुप्तृतेय वर्णम तथा। इसका मतलब है जो भगवान को संपूर्ण रूप में विश्वास करे ठाकुर जरूर हमें रक्षा करेंगे और जरूर ठाकुर जी हमें पालन भी ठाकुर हमें जरूर करेंगे। कहते मेरे गुरु जी के अंदर में ये प्रत्यक्ष रूप में ये आदर्श सभा प्रत्यक्ष रूप में इनका जीवन को दिखाई पड़ता था। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे ठाकुर जी को जो सेवा पूजा है वो सब ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो ठाकुर जी के चरण में ही तो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो ठाकुर के चरण में। अगर ठाकुर जी की अगर हम ठीक ठीक से सेवा पूजा करें इसका व्यवस्था कौन करने वाली है, ये लक्ष्मी करने वाली है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ठाकुर को सेवा पूजा इनकी ठीक ठीक होनी चाहिए। अगर ठाकुर को सेवा पूजा ठीक ठाक नहीं होना एक दोष है वित्तसाठ्य। वित्तसाठ्य मतलब है आपके पास में पैसा है, ठाकुर ने लक्ष्मी दिया, लेकिन अगर वो लक्ष्मी को अगर कंजूसी करके ठाकुर को जैसे तैसे भोग लगाओगे ठाकुर को सेवा नहीं हो रही है। कहती ये 64 अपराध में ये एक तरह का अपराध है। फिर क्या होगा, लक्ष्मी बिगड़ जाएगी। फिर लक्ष्मी बिगड़ जाएगी तो क्या करेगी, जितने अनर्थ जितने लड़ाई जितने झगड़ा सारे शुरू कर देगी माँ लक्ष्मी। इसलिए नियम है अगर ठाकुर ने लक्ष्मी दिया लक्ष्मी तुम्हारी नहीं लक्ष्मी ठाकुर जी का है। लक्ष्मी तभी घर में शांति सुख देगी जब ये लक्ष्मी ठाकुर जी की सेवा में लगेगी। इसलिए लक्ष्मी की दो वाहन है,
एक उल्लू और एक गरुड़ है। कहते ये उल्लू कहाँ रहती है, लेकिन हम जब लक्ष्मी को बुलाए कहे लक्ष्मी माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों आपको हम भोग करेंगे, बोले मेरे को तो भोग करोगे, मैं ठाकुर का हूँ मेरे को तो भोग करोगे। फिर तो अकेले बुलाओ तो वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है, फिर हमें उल्लू की पट्ठा बनाती है, है? इसलिए हमें ये उल्लू बना देती है। फिर जितने दुख कष्ट समस्या लेकर के सारी समस्या लेकर के आएंगे। अगर लक्ष्मी को हम बुलाए, लक्ष्मी किसके हैं, ठाकुर जी के, माँ लक्ष्मी आओ, क्योंकि आपके बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा, आप तो ठाकुर का सेवा करने वाले आप ही हो ना। अगर इसलिए मेरे गुरुदेव ये शिक्षा देते थे, इसलिए गुरुदेव कहते थे लक्ष्मी को ठाकुर को अच्छे तरह से ठाकुर जी को श्रृंगार करो। हर एकादशी को हमारी मठ में फूल का श्रृंगार होगा ही, हर एकादशी में, हर रोज ठाकुर जी के गले में फूलों की माला और उनका जो प्रसाद है ठीक ठीक रूप में उनकी प्रसाद भोग लगनी चाहिए। इसलिए ये हमारी गुरु जी की ये सिद्धांत था, ठाकुर का सेवा पूजा जितने अच्छे तरह से करेंगे उनका ठाकुर अगर खुश हो ना अपनी खुश हो जाएंगे। विश्वनाथ चकु ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, जैसे अपना शरीर को श्रृंगार करो अच्छे तरह से, आप किसी शीशा को सामने खड़े हो जाओ, आप देखना शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे आपका परछाई को श्रृंगार करने का जरूरत नहीं, वो परछाई अपने आप ये परछाई सज जाती है, ये शरीर को श्रृंगार से परछाई अपनी आप सज जाती है। इसलिए मूल कौन है, ठाकुर जी। अगर ठाकुर का अगर हम सेवा पूजा उनका श्रृंगार ठीक करेंगे ना, परछाई हम हैं, हम अपने आप हम सज जाएंगे, हैं अपने आप हम सज जाएंगे। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे ठाकुर का सेवा पूजा ठीक ठीक से होनी चाहिए। इसलिए ठाकुर का अगर सेवा पूजा ठीक से करोगे ना तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं। लक्ष्मी अपने आप, ये लक्ष्मी ओके, लक्ष्मी अपने आप आपके पास में अपने आप आएगा। इसलिए हमारे यहाँ लॉकडाउन था, हैं मैंने सुन रहा था यहाँ रोज रोज भंडारा हो रहा है, कोई भूखे मर रहे हैं यहाँ पर रोज रोज भंडारा हो रहा है। क्यों, जहाँ ठाकुर को सेवा हो और जहाँ पर उनकी कथा हो ना, जहाँ पर उनकी भजन पूजा पाठ हो, व्यवस्था करने वाले तो ठाकुर है ना, है देने वाले तो ठाकुर ही है। इसलिए मेरे गुरु जी का ये सिद्धांत था। इसलिए एक समय जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी का दिन हम सब भक्तों को निमंत्रण देना पड़ता है, गुरुदेव ने सब भक्तों को निमंत्रण दिया जन्माष्टमी होगी, सबके सब प्रसाद बांटने के लिए आ रहा। दूसरे दिन नंद महोत्सव, लेकिन मंदिर में कुछ है ही नहीं, भिक्षा को द्वारा मंदिर चलता है। तब तो हमारे कुछ शिष्य लोग ने बोले गुरु जी आप तो सारा दुनिया को निमंत्रण दे रहे हो, घर में तो कुछ नहीं है, अब ऑलरेडी पूरा पाड़ा को पूरा अड़ोसी पड़ोसी को निमंत्रण दे दिया, जन्माष्टमी हो रही है, प्रसाद को तो है ही नहीं घर में, अब फिर खिलाओगे कहा। देखो कितना विश्वास है, हैं इसलिए कितना विश्वास है, ठाकुर जी हमें पालन करेंगे। गुरु जी बोले तुम क्यों चिंता करते हो, चिंता करने वाले तो अंदर में बैठे, हमारा कर्तव्य है उनके उत्सव करना, है उनके उत्सव करना हमारा कर्तव्य। अंदर में ठाकुर सोचने वाले राधा रानी, क्यों कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, अभी अगर उनका प्रियतम को है उनके प्रभु के अगर जन्माष्टमी, उसी विषय में कौन सोचेगा। कहते इसी विषय में हमें सोचने का जरूरत नहीं, इसी विषय में तो राधा रानी सोचेगी, कौन सोचेगी, ये राधा रानी सोचेगी हमारे प्रियतम का जन्मोत्सव। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णना करते हैं, रमा क्रीडन अभूत नृप, नंद बाबा इतने दान दक्षिणा दे रहे थे, हाँ कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, इतने दान दक्षिणा दे रहे थे, कहते हीरे जवाहरात इतने दे रहे थे, ब्राह्मण लोग भी थली में हैं अपना गठली में बांध करके जब ले जा रहे थे, वो जो उसकी कोने से गिरते 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 हीरे जवाहरात जा रहा था, और पूरा ब्रज की अली गलियों में ये हीरे जवाहरात, प्रभु जी आपको पीछे ना वो बैठे प्रभु जी, इसलिए अली गलियों में थोड़ा इधर सर के बैठ जाओ, इसलिए कहते अली गलियों में ये हीरे जवाहरात बिखर रहा था। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ऐसे लगता है रमा क्रीड़न, मानो ये ब्रजभूमि रमा मतलब लक्ष्मी की राधा रानी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई। इसलिए गोपिया क्या कहती है, जयति तेधिकाम जन्मना ब्रज श्रयत ए धीरा स
स्वदात्रहि दायी तद्रीक्षताम् दीक्षुता अबका तोयिद्रिता सव त्वांग विचिन्वते। इसलिए गोपियाँ गोपी गीत में गाती हैं, बोले हे श्याम सुंदर जय तीतधिकम जन्मना ब्रज। जब से तुमने ये ब्रज में जन्म हुए ना, ये ब्रज की जय जयकार हो रहा है। और ये ब्रज भूमि श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी व राधा रानी, कहती ये जो धाम है ये राधा रानी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई से वृंदावन धाम है। इसलिए कहते हैं ऐसे ऐसे राधा रानी की कृपा से है सब कुछ इतने, इसलिए करने वाले। इसलिए गुरुदेव बोले चिंता मत करो, राधा रानी सोचेगी उनका प्रियतम का उत्सव सचमुच से ठीक एक दिन जन्माष्टमी से एक दिन एक बहुत बड़ा सेट आया और उन्होंने पता नहीं कहाँ से दाल चावल घी तेल नमक भर करके ला करके दे कर गया। बोले महाराज जी जन्माष्टमी आएगा ना, अब लो इसकी जन्माष्टमी। गुरुदेव ने कहा देख लिया, गुरुदेव ने कहा देख लिया तुमने, तुम लोग इतना सोच रहे थे घर में कुछ है नहीं, उत्सव कैसे होगा देख लिया। इसलिए करने देने वाले कौन है, कहते श्री राधा रानी देने वाले सचमुच से, केवल हमें चेष्टा करो। और दूसरी बात है देखो राधा रानी देगी किसको, ये भी विषय है। कृष्ण क्या कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्त माम ये जनाहा परिजुपासते तेसांग नित्याभियुक्तानां योगाक्षम वहाम्यहम्। कृष्ण का प्रतिज्ञा है, अगर कोई अनन्य रूप में मेरे को चिंता न करता, अनन्य मतलब और कोई देवा देवी को पूजा नहीं बा और किसको पर कोई आशा भरोसा नहीं, भरसा केवल ठाकुर जी को ऊपर में है। लेकिन ये भरसा होगा कब, जब हम भजन करेंगे, बोलने से ही नहीं होता है, ये बोलने से नहीं होता। जैसे माधवेंद्रपुरी उनका पूर्ण विश्वास है, हम उनको भजन करते हैं, जब वो चिट्ठी से लेकर के हाथी को पालन करते हैं तो उनका जो भजन करते वो पालन नहीं करेंगे क्या हमें। लेकिन ये आत्मविश्वास होनी चाहिए, और ये विश्वास तभी होगा जब हमारी भजन सही सही हम एकांत रूप में भजन करेंगे, तभी विश्वास होगा। नहीं तो सारा दुनिया लोग के ऊपर विश्वास होगा, ठाकुर जी के ऊपर में हमारी विश्वास नहीं होएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए फिर गुरुदेव ने बड़े धूमधाम से उन्होंने फिर जन्मा कृष्ण का जन्मोत्सव को मनाए, और जितने भक्त लोग सबको उन्होंने बढ़िया से प्रसाद बनाए, और सब भक्तों को उन्होंने सब प्रसाद वितरण किया। इसलिए ये गुरु जी की इतने विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर में, ठाकुर का भक्ति सेवा पूजा ठीक ठीक से उनका होनी चाहिए। इसलिए और हमारे गुरु जी की जो दूसरा जो विचार था, कहते भगवान की सेवा से भक्त का सेवा श्रेष्ठ मानते थे। भक्त भगवान सेवा से भक्त सेवा को श्रेष्ठ तो देते थे हैं। इसलिए जब पार्वती पूछा ना शंकर जी को किसको उपासना करनी चाहिए, शंकर जी क्या बोले, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम। कहते जितने आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ। अभी पार्वती तो दुखी हो गई, बोलते मेरे तो शंकर जी को पूजा की, ये कह रहे हैं विष्णु की आराधना पूजा। फिर दूसरे लाइन में कहते पार्वती हाँ तस्मात परत तरम देवी तदिया नाम समर्चन, उससे भी एक श्रेष्ठ उपासना है जो उनकी प्रिय भक्तों को जो पूजा सेवा करते हैं। पार्वती बोले ठीक ठाक है, तभी अभी ठीक ठाक। इसलिए हमारे गुरु जी का जो विचार था भगवान की सेवा से वैष्णव का सेवा श्रेष्ठ है। इसलिए जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी, जैसे सब लोग परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा में चले जाते थे, हमारे गुरु जी कहते थे भैया हम तो अधम है पति थे, हमसे तो ये परिक्रमा हो ही नहीं पाएगी, अनस्त ग्रस्त। अगर हमने ये भक्तों का अगर हम सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान कहाँ बैठते हैं, भक्तों का हृदय में भगवान का निवास। अगर भक्त अगर संतुष्ट हो गए ना, बस ठाकुर तो अपने आप खुश हो जाएंगे। कहते ये सबसे सरल उपाय। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामाया एन पामर प्रति आवेना सदाया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय, जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे, जब उनके हृदय में ठाकुर जी है, जब वो हमारे होकर के जब ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी
ये जीव को पर आप कृपा करो। ठाकुर तो अपनी आप कृपा कर देंगे, ठाकुर का कृपा अपनी आप हो जाएगी। कहते ये सबसे सरल उपाय है, इससे सरल उपाय दुनिया में कुछ नहीं है, हैं? इसलिए जो कल जो हम बामन गोस्वामी महाराज की कथा सुनते थे, वो स्वयं कहते थे केवल मैंने वैष्णव का सेवा करते करते, केवल वैष्णव सेवा करते करते ही मेरा जीवन चला गया है, और वैष्णव का आशीर्वाद हुई तो तब उन्होंने भगवान की उन्होंने भजन किया है। इसलिए गुरुदेव सारे जब ब्रजमंडल परिक्रमा होती थी, बंगाल से लोग आते थे, वयस्क लोग आते थे, उनके लिए गर्म पानी करके देना, स्नान करेंगे सवेरे सवेरे ठंडा पानी, इधर तो थोड़ा ठंडा है उनको गर्म पानी करके देना, जब वो वापस आएंगे उनको गर्म पानी करके देना, उनके लिए प्रसाद तैयार रखना, फिर उनको प्रसाद खिलाना। गुरुदेव कहते थे हैं, इसलिए वैष्णव का सेवा करो। इसलिए गुरुदेव वैष्णव सेवा की महत्व देते थे। एक समय मैं नया नया आया था पुरी में, उस समय तो बच्चा था, बंगाल से जो रजनीगंधा एक फूल है रजनीगंधा, और एक जो गुलाब बंगाल से बहुत अच्छा अच्छा फूल मिलता है, वो आता था ठाकुर जी के लिए, बंगाल से लेकर के आते थे जगन्नाथपुरी भक्त लोग जो रथ यात्रा में, और ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर माला हमारे मंदिर में, ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर माला, महाप्रभु राधा कृष्ण इतने मोटे मोटे माला, एक एक माला बनाने में घंटे घंटे लगता था। अब उस माला ठाकुर जी के लिए बना हुआ, लेकिन रथ यात्रा में प्राय करके वैष्णव सब वैष्णव आते हैं पूरी में रथ यात्रा में, इतने में कुछ संन्यास वैष्णव लोग आए, जब जा रहे थे जगन्नाथ मंदिर की तरफ में, तो उन्होंने हमारी गुरु जी के मंदिर में आए, जब गुरु जी के मंदिर में आए मैंने देखा जो इतने मोटे मोटे माला जो रजनीगंधा का था, और इतने बड़े सुंदर गुलाब फूल, देख रहे एक एक घंटा लगता है एक एक माला बनाने के लिए। गुरुदेव ने ये माला लेकर के ना वो सब जितने वैष्णव लोग थे सब गला में दे दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, इतना कलकत्ता से फूल आया और इतने सुंदर बड़े कीमती माला फूल है, और इतने इतने ठाकुर जी के लिए घंटे घंटे तक लगा, ये ठाकुर जी के लिए बनाया था वो सब वैष्णव को सारे सन्यासी को दे दिया। मेरा मन तो इकट्ठा गया, मैंने कहा इतने इतने माला दे दिया ठाकुर जी के लिए बनाया हुआ था। उस समय तो मैं समझा नहीं ये सब चीज को, लेकिन जब बाद में वैष्णव का संग से फिर जब हमें धीरे धीरे तत्व ज्ञान हुआ, जब सुना तीन तरह का वैष्णव है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। कहते कनिष्ठ भक्त का लक्षण क्या है, बोले अर्चया मेव हरे जम पूजाम श्रद्धयते न तद भक्ते सुचान्य सुसभक्त प्राकृत स्मृत। अर्चा विग्रह में तो उनका बड़ा निष्ठा है, उनको बड़ी निष्ठा पूर्वक ये अर्चा विग्रह करते हैं, लेकिन ये भक्तों का प्रति इतना उनकी आदर नहीं रहता, ये कनिष्ठ भक्त है। मध्यम भक्त कौन है, ईश्वर तद अधिनेसु बालिशेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ज करोति स मध्यम। इसलिए मध्यम का लक्षण मध्यम क्या है, इसलिए भक्तों में उनकी मैत्री है मैत्री, और भगवान से भी ज्यादा जो महत्व है वो ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा महत्व वैष्णव को देते हैं, ये मध्यम है, हाँ ये मध्यम भक्त है। जब बाद में पता चला ओ अगर वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम, कहते ना तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, अरे गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, भगवान खुद कहते हैं साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तु हम मद अन्न ते न जानती न अहम तेभ, इसलिए मैं वैष्णव का हृदय में नित्य विद्यमान रहता हूँ। जो वैष्णव खुश हो गए ना, ठाकुर खुश हो गए। अगर वैष्णव अगर नाराज हो गए, जैसे श्री अगस्त मुनि आए, लेकिन इंद्रदुम्न महाराज सालग्राम की सेवा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो बोले आए तो बैठ जाएंगे, थोड़ी ठाकुर से बड़े हो गए, अभी तो मैं ठाकुर को पूजा कर रहा हूँ ना, सालग्राम को पूजा कर, वो थोड़ी भगवान से बड़े हो गए, आएंगे बैठ जाएंगे। लेकिन अगस्त ऋषि की क्रोध आया, बोले लगता है भजन तो कर रहे हो, हाँ भक्ति तो कर रहे हो, लगता है किसी साधु की आनुगत्य में तुमने ये भजन परिपाटी नहीं सीखे। बोले जा हाथी जैसे तुम्हारी बुद्धि, हाथी जब चलता ना मस्ती से चलता है, डोंट केयर है, मस्ती से चलता है तुम्हारे व्यवहार हाथी जैसे, तू हाथी बन जा। देखो वो पूजा कर रहे थे सालग्राम की, ठाकुर को सेवा कर रहे थे, लेकिन अभिशाप दिया तो ठाकुर भी नहीं बचाए, ठाकुर भी उनको नहीं बचाए ठाकुर जी, इसलिए उनको हाथी बनना पड़ा उनको। इसलिए मैं बाद में समझा नहीं, भगवान में तुम्हारी जितने प्रति उससे ज्यादा वैष्णव का प्रति होनी चाहिए,
बाद में मेरे को पता चला, इसलिए उन्होंने सॉरी माला उन्होंने सारे वैष्णव लोगों को दे दिया। ठाकुर जी उस दिन माला नहीं पहने, लेकिन ठाकुर जी खुश है। बोले क्यों? उनके वैष्णव लोगों ने माला पहने, इसलिए भगवान तभी खुश होते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मेरे भक्तों को जो भोजन कराता है, क्योंकि मैं तो भक्तों की मुंह में बा उनके हृदय में बैठता हूँ, जब भक्त संतुष्ट होते हैं मैं अपने आप संतुष्ट होता हूँ। मेरे प्रत्यक्ष रूप में ये सब चीज गुरु जी में हमने देखा है। ये जो मंदिर में जो कारुकार्य देख रहे हैं ना सब, इतना इतना ये सबसे पहले हमारे गुरुदेव ने मंदिर में शुरुआत किया है। हैं कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ भक्त लोग बोले ये क्या, ये सिद्धांती महाराज क्या सब पुतला खड़ा कर दिया। धन्य धन्य इसलिए बोले ये क्या सब, उन्होंने कहा क्या सब पुतला पुतला उन्होंने क्या बना दिया। हैं कुछ कुछ गौड़ियों में अटके सब महाराज लोग ने हमारे गुरुदेव को कुछ बोले, लेकिन बाद में मेरे गुरुदेव प्रारंभ किया ना, बाद में सारे गौड़ियों मठ में फिर प्रारंभ हो गया। तब उन्होंने सारे गौड़ियों मठ में प्रारंभ हो गया, और उसमें शायद भक्ति विज्ञान भारती महाराज ये बात को कहते हैं, भले महाराज ने ऐसे क्यों किया, कारण है प्रभुपाद ये चीज को प्रभुपाद ने आरंभ किया। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी एग्जीबिशन करते थे, उसमें क्या करते थे, जैसे आग जल रहा है, प्रहलाद को पिताजी कहते हो तू हरि का नाम ले नहीं सकती हो, बोले मैं हरि का नाम लूंगा, बोले विश्व ब्रह्मांड मेरे नाम पर कांप रहे हैं, और तू ऐसे कुत्ते का पूछ में भले जितना तेल लगा दो सीधा नहीं होता है, तू कुत्ते का पूछ जैसे, बोले मेरा आदेश नहीं पालन करे, बोले नहीं मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा, बोले भक्ति करूंगा अभी तेरे को दिखाता हूँ। जैसे इलेक्ट्री है, इलेक्ट्री की आग जलती थी और उसमें प्रहलाद को उसको पिता लेकर फेंक दिया, और आग जल रही है और प्रहलाद महाराज उसको बीच में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, हरि नाम कर रहा है। किसी ने आकर के बोले, और ये पहले जो बाग बाजार गौड़ी मठ था ना, उसको ऊपर में बहुत बड़ा लाइट जलता था, बहुत बड़ा लाइट, बड़ी दूर तक वो लाइट जाती थी। लोग कहते थे इसी लाइट को अगर किसी जनसेवा में लगाते और किसी काम में लगाते लाभ होता, आप इतने इलेक्ट्रिसिटी को इतना खराब क्यों बर्बाद कर रहे हो। प्रभुपाद के ऊपर में है, वहां पर सबके सब वहां पर शिकायत किया, तो प्रभुपाद ने कहा ये विश्व ब्रह्मांड में जितनी ये इलेक्ट्रिसिटी है, जब ऐसे काम में लग जाए, भक्त और भगवान की सेवा में लग जाए, इसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, तब उनका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए विषय भक्ता केवल कृष्ण हैं, जब उनकी सेवा में सारे चीज लग जाए तभी तो उनकी सारे हैं चेष्टा सार्थक हो जाएगा ना। इसलिए प्रभुपाद ऐसे, और प्रभुपाद एग्जीबिशन करते थे बड़े सुंदर सुंदर, और जिसमें दिखाते थे कैसे जगत का जो स्मार्त गुरु, जो सहजिया, जो स्मार्तबा, जो जाति गोसाई, हाँ उसको पूर्वज थे कोई गोस्वामी थे, उसको बाद में जो आए कोई गोस्वामी, मतलब क्या गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब जो इंद्रिया का स्वामी, लेकिन सब माछ मछली खाते हैं, कहते नहीं हम अद्वैत वंशधर, हम नित्यानंद वंशधर है, उनका रक्त हमारे शरीर में प्रवाह हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई आदर्श फादर्श भजन भजन से कोई मतलब नहीं। और जब गुरुदेव घर में आते हैं ना, आज गुरुदेव आए उनके लिए सबसे बढ़िया मछली लानी चाहिए, बोले बंगाल में सबसे जो बढ़िया मछली कौन सा, बोले इलिश, बंगाल में इलिश माछ है, ये सबसे बड़े स्वाद और सबसे बढ़िया माछ, बड़े कीमती है, बोले गुरु जी को आज माछ खिलाएंगे। प्रभुपाद एग्जीबिशन दिखा रहे हैं, देखो कलिजुग का जो गुरु है, हाँ कलिजुग का जो गुरु है, गुरु आए उनको क्या एग्जीबिशन में, कैसे गुरु को शिष्य मछली कैसे बैठ, प्रभुपाद इसे एग्जीबिशन दिखाया, मतलब कैसे भ्रष्ट गुरु है। इसलिए प्रभुपाद गुपर में उस समय में सारे लोग बिगड़ गए, हैं कहते ये सारे हमारे बिजनेस को ये प्रभुपाद खत्म कर रहा है, जितने स्मार्त जात गोसाई, जितने आवलू बावलू नेड़ा नेड़ी, जितने सारे अब संप्रदाय, जितने सहजिया, प्रभुपाद किसको छोड़े ही नहीं, प्रभुपाद सभी का मतवाद उन्होंने खंडन किया। इसलिए प्रभुपाद गुपर बिगड़ गए, बोले इसको जान से मार डालेंगे, नहीं तो हमारे सारे बिजनेस को ये खत्म कर देगा। इसलिए जब उन्होंने प्रौढ़ माया में गए उसी समय में सारे अटैक्ट किया प्रभुपाद को, हैं उस समय हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को किस तरह से वहां से निकाल दिया। इसलिए प्रभुपाद इस एग्जीबिशन प्रभुपाद पहले करते थे, इसको द्वारा लोग जैसे आते हैं ना सब कम से कम देखेंगे, महाप्रभु ने किया लीला की, जब हमारे गुरुदेव की थी
पुरी में इतना प्रसिद्ध हो गया था हमारे मठ, सब लोग बोलते थे, मैं समय था, बोले चित्र विचित्र मठ, पुरी में आएंगे तो जरूर वो चित्र विचित्र मठ में जाएंगे, हैं, बोले चित्र विचित्र मठ। और जब लोग आते थे, गुरुदेव बोलते थे, देखो लोगों को तो वैसे हरि कथा सुनना कठिन है, कम से कम ये लीला के माध्यम से, जैसे वहां पर महाप्रभु लीला, कृष्ण लीला, तुम लोग इनको सब समझाया करना, हैं, उन्होंने क्या सिखा दिया, उन्होंने क्या सिखा दिया, उन्होंने क्या सिखा दिया। इसलिए हम लोग सब के सब लोगों की ये दर्शन कराते थे, उसकी माध्यम से उनको हम हरि कथा बोलते थे, इसकी माध्यम से। इसलिए सबसे पहले हमारे गुरुदेव ने जब कभी पूरी, कौन गए पूरी, कौन देखा है, इसलिए पूरा इतने सुंदर मंदिर, जैसे पूरा राधा रानी की जैसे निकुंज मंदिर है, हैं, इतने सुंदर उन्होंने, इतने सुंदर उन्होंने वहां पर मंदिर बनाए गुरुदेव। इसलिए सबसे पहले हमारे गुरुदेव, और जो उपदेश है ना, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, कृष्ण तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, सब दीवाल में प्रभुपाद का उपदेश, अमृत प्रभुपाद का उपदेश सबका उन्होंने, कम से कम अगर वहाँ कोई नहीं आएगा, लोग आएंगे कम से कम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैं, क्या लिखा हुआ है, कम से कम पढ़ करके तो एक उपदेश अगर किसी ने अपना जीवन में उतार दिया, उनको कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे जो मठ है ना, वो साक्षात जैसे बोलता है, बात करता है, हाँ, वो मंदिर जैसे साक्षात रूप में बात करता है वो मंदिर है। इसलिए हमारे ऐसे गुरुदेव का बहुत बहुत सारी वैशिष्टता है। अभी हमारे बीच में श्री माधव प्रिय प्रभु जी है, कृष्णदास प्रभु जी है, ये भी गुरु जी के चरण में कुछ कुछ पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, श्री हमारे श्री माधव प्रिय प्रभु। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। पंचाकल कृपा सिंधु भय बच पतितानंग भावने भो वैष्णव भो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शिला प्रभुपाद के आश्रित उनके निज जन जिनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, श्रीपाद रामचंद्र प्रभु इत्यादि उपस्थित समस्त भक्तों के चरण कमलों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज
प्रातःकाल हमारे महाराज जी ने श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी ने किसी एक ब्रह्मचारी को ऊपर भेजा कि माधव प्रिय को बुला लाओ थोड़ी कथा कहने के लिए। उस समय अपने दुष्ट स्वभाववशता मैंने बहाना बना करके बोल दिया कि महाराज जी को कहना कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, संध्या के समय में देखूंगा, संध्या के समय में आ जाऊंगा। मन में विचार यही था कि मैं नहीं जाऊंगा। श्रीला गुरुदेव के समय से ही, या फिर कहूं कि पता नहीं पूर्व संस्कारों का ही कुछ इस प्रकार का हस्तक्षेप है मेरे जीवन में कि मैं किसी भी गुरु वर्ग की, किसी भी गुरु भ्राता की, उनकी इच्छा को या उनकी बात को नहीं मान पाता अपने दुष्ट स्वभाव के कारण ही, और सदैव मर्यादा का उल्लंघन ही करता हूँ। गुरुदेव ने दो तीन बार इसके कारण, यद्यपि अपना क्रोध भी प्रकट किया, शासन भी किया, किंतु तब भी दुष्ट बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया। हमारे श्रीपाद माधव महाराज जी भी कई बार बोलते हैं कि नहीं चाचा जी, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा। तो मैं उनको कहता हूँ, महाराज जिसने गुरुदेव की नहीं मानी आपकी मानेगा? तो इस प्रकार का मेरा एक दुष्ट स्वभाव है। किंतु अभी जैसा भी हो, मन में आ रहा था महाराज जी के विषय में कि मर्यादा उल्लंघन करते करते ही मेरी वास्तविक रूप में दुर्गति और किसी भी प्रकार से मंगल की कोई भी किरण नहीं दिखलाई पड़ रही। तो इसी भावना को लेकर के ही मैंने सोचा जे यद्यपि मेरे को श्रीला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के विषय में बहुत कुछ पता नहीं है, किंतु तब भी अपने ही कुछ संशोधन के उद्देश्य से मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जाऊंगा। मुझे स्मरण पड़ता है लगभग 2001 में और 2002 में हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जयपुर में प्रचार के उद्देश्य से गए थे, और वहीं पर ही शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की, कार्तिक मास तो नहीं होगा अवश्य ही, उनकी तिरुभाव तिथि वहां पर आई थी। और शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के एक अन्य आश्रित जयपुर में रहते थे, गोविंद देव मंदिर के पास में कहीं, उन्होंने सारे भक्तों के लिए उत्सव का आयोजन किया था। और हम लोगों ने संध्या के समय हमारे श्रीधर महाराज जी से ही कुछ प्रार्थना की थी कि महाराज जी, आप हमारे को अपने गुरु जी के विषय में थोड़ा कुछ श्रवण करा दो। तो श्री राधा गोपीनाथ मंदिर जयपुर में उन्होंने उनके विषय में थोड़ी कथा श्रवण कराई थी कि किस प्रकार से पहले तो वो मठ में आ गए थे, और फिर शिला प्रभुपाद जी के प्राय सभी शिष्यों को बहुत अधिक योग्य देख करके कि ये कितने विद्वान हैं, कितना योग्य हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा और विद्या अध्ययन इत्यादि करके फिर यहाँ पर आऊँगा। पहले तो वो शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी की गीता के ऊपर कुछ कथा श्रवण करके मठ में आ गए थे। बाद में फिर कुछ समय के लिए उनके मन में आया कि पहले मैं कुछ पढ़ करके अच्छे से विद्वान बन के आ जाऊँगा। किंतु फिर शिला प्रभुपाद एवं उनके गणों की विशेष इच्छा और कृपा से वो इस बात को उन्होंने ग्रहण किया, धारण किया कि नया कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, विद्वत्ता से ही भक्ति नहीं होती, अनुगत्यमय धर्म ही भक्ति है।
इसीलिए उन्होंने उसी प्रकार का मान करके धारण करके अपने जीवन में श्रीला प्रभुपाद जी की सेवा में अपना योगदान दिया था। और किस प्रकार से आनुगत्य करना होता है उस प्रकार के भी उनके विषय में सब चरित्र श्रवण किए जाते हैं। अपने गुरुपाद पद्म का आनुगत्य और फिर ये करना तो प्राय सबके लिए सहज होता है, स्वाभाविक होता है, किंतु गुरु भ्राताओं का आनुगत्य वो इतना सहज होता नहीं। किंतु शिला भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने अपने गुरु भ्राता एक नहीं अनेकों का ही, आज प्रातः काल भी महाराज जी बता रहे थे शिला भक्ति विलास भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की बात, इस किस प्रकार से उन्होंने अपने जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता उनके प्रति आनुगत्यमय जो भावना वो रखी, वही वैष्णव धर्म है। वास्तविक रूप में इसको स्थापित किया अपने आदर्श के द्वारा। बड़ो दुख पाई आची स्वतंत्र जीवने, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिख करके रखा कि स्वतंत्र जीवन वास्तविक रूप में बड़ा दुखमय जीवन है। उसमें प्रतीत होता है कि मैं अपनी इच्छा से जो हो अब कर सकता हूँ, मुझे कोई टोका टाकी करने वाला नहीं है, कोई ऊपर से बोलने वाला नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, कितना अच्छी बात है। किंतु जिनका दुर्भाग्य होता है उन्हीं के मन में ही स्वतंत्र रहने की इच्छा आती है। जो सौभाग्यवान वो कभी स्वतंत्र रहना चाहता नहीं, यदि स्वतंत्रता अपनी आप से आती भी है तब भी वो अपने आप को दुर्भागा मान करके अपने सिर को अपने माथे को पीटता है कि ऐसे वाला जो दुर्दिन है वो मेरे जीवन में क्यों आया। जैसे किसी बालक की अगर माँ हो पिताजी हो तो वो सौभाग्यवान, क्यों? क्योंकि उसकी सब प्रकार से चिंता करने वाला कोई है, कोई देखने वाला है, बोलने वाला है। और जिस बच्चे का माता पिता ना हो, कोई कहने वाला कुछ नहीं है, लावारिस, ऐसा बच्चा दुर्भागा। तो इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में क्या दिखलाया, अपने आदर्श के द्वारा ही इस प्रकार का जीवन उन्होंने रखा अपना, जिससे वैष्णवों ने इन्होंने अनुगत्य स्वीकार किया और उन्होंने इनको अपना आश्रय प्रदान किया। उन्होंने भी इनके प्रति उसी प्रकार का अपना एक भावना रखा, इसलिए इन्होंने स्वतंत्र जीवन को कभी भी अपने जीवन में ग्रहण किया नहीं, अनुगत्यमय जीवन को ही स्थान दिया। स्वतंत्रता को नहीं बल्कि वैष्णव अनुगत्य में जो आनंद, उसका इन्होंने आदर्श के रूप में अपना प्रकाशित किया, मुख से बोल करके नहीं। दूसरा, उस दिन महाराज जी ने बताया था कि हमारे मठ में जो जब कथा होती थी उस समय क्या करते थे कि एक जो ब्रह्मचारी सन्यासी अथवा पुरुष शरीरधारी जो वैष्णव वो एक और बैठते थे और बीच में पर्दा लगा होता था, दूसरी तरफ जो है वो माताजी लोग बैठेंगे, एक साथ में नहीं बिठाते थे, बीच में पर्दा करके रखते थे। जो माताजी लोग वो जो श्रोत जो वक्ता है उसको भी डायरेक्ट उस तरह से नहीं देख पाते। किस लिए उन्होंने इस प्रकार का किया, उन्होंने बतलाया कि बद्ध जीव का अवस्था किस प्रकार का होता है, कथा श्रवण करते हुए कथा बोलते हुए भी किस किस प्रकार से नेत्रों के माध्यम से भाव भंगिमा से मन के भीतर ही भीतर में एक व्यक्ति किस प्रकार से जो दुश्चिंता इत्यादि करता है उसका कोई विश्वास करना संभव नहीं, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस प्रकार का व्यवस्था हो जिससे कि
सभी के लिए मंगलमय एक जो परिवेश वो बना रहे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का किया। और महाराज जी ने एक और बात उस दिन बतलाई थी कि गुरु महाराज जी प्राय कलकत्ता में रहना पसंद करते थे, यद्यपि नवद्वीप धाम में पुरी में उनके स्थान थे, वहाँ पर आते थे, किंतु कलकत्ता में जाकर के भी वास करते थे। किस लिए? वहाँ पर उनको जो बुद्धिमान श्रोता, जो महाप्रभु की विचारधारा जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है उसको धारण करने वाले श्रोता मिलते थे, और वो इस बात को कहते थे कि जहाँ पर भगवान की कथा करने का सुयोग मिले वही स्थान ही हमारे लिए क्या है, वास्तविक रूप में वृंदावन है। एक श्लोक बतलाया, ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापहा, इस प्रकार का एक श्लोक है जिसमें कहते हैं जिस स्थान पर भगवान की कथा नहीं, वार्ता नहीं, वो स्थान भले ही स्वर्ग हो, भले ही वैकुंठ भी हो, तब भी जहाँ पर भगवान का वाद्य यंत्रों के साथ में आनंद पूर्वक जहाँ पर गुणगान नहीं होता, वो स्थान वैकुंठ लोक भी क्यों ना हो, स्वर्ग का तो फिर कहना क्या, वो स्थान वास योग्य नहीं है। इस प्रकार के शास्त्रीय वाणियों को लेकर के वो क्या करते थे, जिस स्थान पर कथा कीर्तन इत्यादि सब समय भक्त लोग आनंद से श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रस्तुत हैं उसी स्थान पर वास करते थे। फिर उनके ग्रंथों के विषय में तो हम लोग सब समय श्रवण करते ही हैं कि किस प्रकार से एक और शिला स्वामी महाराज जी, शिला गुरुदेव, इन्होंने क्या दिखलाया, सब प्रकार से उदार चरित्र हो करके कैसे सभी जो भक्त हैं, भले ही वो पुरुष शरीरधारी, भले ही स्त्री शरीरधारी, सभी को किस किस प्रकार से सेवाओं में उन्होंने लगाया, नियुक्त किया। दूसरी तरफ से इन महापुरुष ने भी एक आदर्श रखा कि किस प्रकार से महाप्रभु की सेवा के उद्देश्य से भक्ति राज्य में आगे बढ़ने के लिए एक मर्यादा, और किस प्रकार से जो व्यवहारिक अंतर वो परस्पर में रखना चाहिए। एक बद्ध जीव हमारे विभिन्न गुरु वर्गों ने भिन्न भिन्न स्तर पर हम लोगों को सिखलाया है। किस प्रकार से शिला भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के विषय में बतलाते हुए गुरुदेव कहते थे कि हमारे गुरु महाराज अर्थात शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जिस समय उन्होंने हमें प्रवेश किया तब उन्होंने आकर के ही सारी मीमांसा कर दी, अर्थात विभिन्न जो विषय मठ की परिचालना के, कौन किस वस्तु का अद्विति पूर्वक सारा हमारा बैठ करके सुलझा दिया, और ठीक ठीक रूप में सारा लिखना हो गया कि कैसे कौन क्या करेगा, किसका क्या दायित्व होगा। मैं पहले जो बात बोल रहा था वो बीच में भूल गया, प्रचार वाली बात कि किस एक और तो कितने गुरु वर्ग उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से प्रचार किया, और इनका अपना प्रचार का एक अलग प्रकार का वैशिष्ट्य बृहद मृदंग को लेकर के, एक है मृदंग कथा कीर्तन को लेकर के, और दूसरी ओर इन्होंने क्या किया, विशेष विशेष ग्रंथों के नाम इत्यादि महाराज जी हमारे सुबह बतला रहे थे, इसलिए विस्तार से उसकी बात नहीं करके क्या आता है मन में कि भगवान की इच्छा के अनुरूप जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भिन्न भिन्न भक्तों से भिन्न भिन्न सेवाओं को ग्रहण किया, उसके पीछे क्या कारण बनते, क्या उद्देश्य होते वो भगवान ही जानते हैं, स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद, उनके मन की बड़ी अभिलाषा थी इस वेदांत सूत्र इत्यादि को प्रकटित करना, और जो वास्तविक
अर्थ प्रवृत्ति प्रदान करने वाले जो ग्रंथ, जो ब्रज की ओर ले जाने वाले जो ग्रंथ, उनका प्रकाशन करना, उसको हमारे वेदांत सूत्र को विशेष करके हमारे परम गुरुदेव की बड़ी अभिलाषा थी प्रकाशित करने की। इन्होंने श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने उस कार्य को करके उसमें बहुत परिश्रम, हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने एक प्रबंध लिखा था उनके विषय में, उनके अप्रकट होने पर, श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अप्रकट होने पर लिखा था। और उसमें उन्होंने कहा था, कीर्तनियार परिश्रम जाने गौरा राय। अनेक प्रकार के कीर्तन हैं और कीर्तन करने वाले का कीर्तन मतलब मृदंग करताल वाला कीर्तन, कीर्तन का मतलब कथा इत्यादि का परिवेशन करके कीर्तन करना, फिर ग्रंथ इत्यादि का कार्य करके ये भी एक प्रकार का कीर्तन। ये सारे कीर्तन के अंतर्गत, किसी का नाम मृदंग, किसी का नाम बृहद मृदंग, किसी का नाम जीवंत साधु, जीवंत मृदंग, अलग अलग प्रकार के। तो श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने विशेष विशेष कुछ ग्रंथों को प्रकाशित करके उन्होंने क्या किया, बृहद मृदंग के द्वारा प्रचार कार्य किया, जिसकी ध्वनि बहुत लंबे समय तक, जब तक गौड़िया समाज रहेगा उसको स्वीकार करेगा। हमारे गुरुदेव ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर, उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुवाद के अनुसार हिंदी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किए अपने ग्रंथों के। बिंदु, किरण, कणा, ये भगवद गीता, वेदांत सूत्र इत्यादि, ये समस्त ग्रंथों का जो अनुवाद उनके माध्यम से लिया गया, उनके ग्रंथों को गुरुदेव एकदम से प्रमाणिक ग्रंथों के रूप में स्वीकार करके उसी का, उस और ग्रंथ कहीं के होते थे, अनुवाद करते समय सावधानी बरतनी पड़ती थी कि उनका कौन सा चीज लेना है, कौन सा चीज हटा देना है और कौन सा चीज अपना प्रभुपाद का विचारधारा वाला जोड़ना है। किंतु श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के जो ग्रंथ, उसमें से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे को हटानी या मिलानी, उसको एज इट इज अनुवाद करो, कोई असुविधा नहीं है। उस प्रकार का प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते थे। श्रील भक्ति श्री रूप भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एक बार चित्र विचित्र मठ पुरी में, वहाँ पर जब गए, कोई उत्सव था। पहले बतलाते थे कि श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज उत्सव इत्यादि में ना तो किसी को बुलाते थे, कोई उत्सव करते ही नहीं मठ में, अंदर ही अंदर जो होता है वही करते हैं, और ना ही किसी ब्रह्मचारी को किसी मठ में उत्सव में जाने देते हैं। आजकल की तरह नहीं था, ना तो उत्सव में किसी को बुलाते हैं और मठों से, और ना ही किसी के मठ में अपने ब्रह्मचारी को भेजते हैं उत्सव होने पर। किस लिए? कि अभी ये अपरिपक्व हैं, सारे विचारों को नहीं समझ पाएंगे, कहाँ पर किसके विषय में। मठों में एक समय में बहुत असुविधाएं हुई थी, सभी की अलग अलग कारणों से, कोई कहीं तो कोई कहीं रहता था, और कोई स्वार्थवश था, कोई वास्तविक रूप में ना जाने क्यों इधर उधर की बहुत सारी बातें होती थी। इसीलिए जो श्रद्धालु नए भक्त आते थे, उनकी श्रद्धा पहले परिपक्व हो जाए, भक्ति राज्य में अग्रसर हो जाए। नहीं तो बीच में क्या होगा, कुछ कुछ लोग ऐसे वाले जो कि लोगों को श्रद्धा उत्पन्न करा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, किंतु किसी की श्रद्धा को नष्ट करने में बड़ा कम समय लगता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाते, इसलिए नए साधकों के मंगल के उद्देश्य से वो इस प्रकार से करते थे। और यदि वो कभी बुलाते भी थे, तब विशेष विशेष कुछ गिने चुने भक्तों को, जिनके प्रति उनका इस प्रकार का दृढ़ विश्वास कि ये लोग वास्तविक बंधु हैं, सच्चे साधु हैं, उनको ही निमंत्रण करते थे। तो जैसा भी हो, महाराज जी बोलते हैं कि एक समय श्रील सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की अप्रकट लीला के पश्चात मैं गया पूरी मठ में, उत्सव में प्रसाद इत्यादि पाया। जब हम बाहर निकल रहे थे, तब वहाँ पर श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी के एक विद्वान शिष्य, उन्होंने तुलसी महारानी का मंच वहाँ पर बना हुआ, मूर्ति बनी हुई, तुलसी महारानी की मूर्ति बनी हुई है साक्षात, जैसे हमारे यहाँ पर गोपीश्वर महादेव
अथवा पूर्णमासी देवी का विग्रह है, उसी प्रकार से तुलसी देवी वहाँ पर बनी और उनके मस्तक पर तुलसी का पौधा है। तो वो देखा शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य ने, और उन्होंने शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य से प्रश्न किया कि ये मूर्ति जो बनाई है तुलसी महारानी की, इनके नाक में नथ पहनाई है और हाथ में कैसे आभूषण, गले में क्या दिया, वस्त्र किस रंग के दिए हैं, ये सारा कुछ प्रमाणिक है न अप्रमाणिक। तब वो जो मठवासी थे उन्होंने कहा कि ये तो मेरे को पता नहीं प्रमाणिक या अप्रमाणिक, किंतु गुरु महाराज जी ने बनवाए थे, शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने। तब उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो उन्होंने बनवाए थे किंतु प्रमाणिक या अप्रमाणिक। तो महाराज जी कहते हैं मैं सुन रहा था, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते मैं सुन रहा था इस बात को। मैंने कहा कि यद्यपि आज तक जब तक मुझसे कोई प्रश्न नहीं करता तब तक मैं उत्तर कुछ देता नहीं, बोलता नहीं बीच में, किंतु यहाँ पर गुरुवर्ग की बात है इसलिए बीच में बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलूँगा तो मेरा अपराध होएगा। तब उन्होंने कहा, मैंने जाजावर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य को कहा, पंडित महाराज, वो एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, पंडित महाराज सिद्धांति गोस्वामी महाराज प्रमाणिक वैष्णव या नहीं? तो कहते हैं वो तो प्रमाणिक वैष्णव हैं। तो फिर कहते हैं महाराज जी कि मैंने उसको उत्तर दिया, अगर वो प्रमाणिक वैष्णव तुम कहते हो, स्वीकार करते हो, तो उनका कोई भी क्रिया अप्रमाणिक होगा? तो कहते वो चुप हो गया कि महाराज आप ठीक कह रहे हो। फिर कहते हैं फिर मैंने उसको वृंदा देवी अष्टकम जो है उसमें से बताया, क्या लिखा है उसमें, बिंबाधरोदित वर मंद हास्य नासाग्र मुक्ता द्युति दीप्तास्य विचित्र रत्नाभरण श्रीआढ्ये वृंदे नमस्ते चरणार विंदम। पंडित महाशय देखो, वृंदा देवी अष्टक में लिखा है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने उसी के अनुरूप इस विग्रह को बनवाया है, इसलिए ऐसी वाली बात नहीं करना आगे से कभी भी। इस प्रकार से महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव ने, ये जो हमारे समस्त गुरुवर्ग, ये सभी उनको एक श्रेष्ठ प्रमाणिक वैष्णव उस रूप में स्वीकार करते हैं और उनके कीर्तन के परिश्रम को हमारे गुरु महाराज जी इत्यादि जिस प्रकार से उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन सभी कारणों से हमारा यद्यपि उनसे कभी भेंट हुआ नहीं, बाहरी रूप में दर्शन हुआ नहीं, किंतु इन्हीं वाणियों के द्वारा और हमारे श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के माध्यम से उनके विषय में कुछ सुन करके हमारा उनके प्रति जो थोड़ा सा संग, उनके प्रति जो थोड़ी सी भावना आई है, वो दिन प्रतिदिन वर्धित हो और हमारा उनके चरणों में अनुराग हो, वैष्णव पद धूलि हमें प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ में आज मैं उनके श्री चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। किसी प्रकार की कोई भूल त्रुटि इत्यादि हुई हो तो समस्त वैष्णवों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी का जो गुरुदेव थे भक्ति प्रमद पुरिंद स्वामी महाराज जी को, जब इनको कोई, अब लो बैठ, अब मैं तो हो गया, इसलिए जब उनको कोई बोलता था महाराज आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो बोलते थे अगर मेरे को कुछ देना चाहते हो तुम जाओ श्री भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज के मठ में जाओ और जाकर उनको ग्रंथ ला करके मेरे को दो, वो खुद बोलते थे। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जब जब कोई ग्रंथ प्रकाशन करते थे वो ग्रंथ को लेकर उनको गुरुदेव को देते थे, और भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जब देखते थे किसी ने कोई ग्रंथ प्रकाशित तो किया, इतने प्रसन्न इतने खुश होते थे। कारण क्या है, बोले जब प्रभुपाद का समय में इनके गुरुदेव ये एडिटर थे सारे ग्रंथों का, जो दैनिक प्रकाश जो था, जो साप्ताहिक पाक्षिक मासिक वार्षिक और जितने सारे ग्रंथ का ये एडिटर करते थे इनका गुरुदेव, इसलिए इनके ग्रंथ जब वो सोते थे इनके गुरुदेव, ऐसे नहीं हम जैसे पूरा लेट जाते, ऐसे नहीं आधा इतना सोते थे और चारों तरफ में ग्रंथ ही ग्रंथ रहता था, क्योंकि सारे ग्रंथ का कोटेशन उनको देना पड़ता था। इसलिए चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में जो मुखबंध है इनके गुरु जी का है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते थे हमारे गुरु जी की ग्रंथ कोई ग्रंथ कोई प्रकाश करे, क्योंकि इसको बृहत मृदंग बताया, ये अगर ये ग्रंथ नहीं होगा
अभी हमें जो थोड़े बहुत गुरु वैष्णव के बारे में ठाकुर जी के बारे में पता चलता कैसे है, ये ग्रंथों के माध्यम से। इसलिए भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज हम बता रहे थे ना, जब गुरुदेव ग्रंथ प्रकाशित तो किया इतने खुश हो गए, बोले तुमने जो काम करके गए ना वो साधारण काम नहीं है। इसलिए जगत में सबसे बड़ा दानी वो है जो कथा दान करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा दानी है वो कथा को चिरस्थायी रूप में जो रख करके जाते हैं। अभी हमारे जो माधव प्रिय प्रभु जी, इन्होंने भी गुरुदेव इनको भी यही दायित्व देकर गए जे भविष्यत में ये ग्रंथ प्रकाशित बंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभु अभी गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए अभी वृंदावन में अभी गुरु जी की उसी ग्रंथ प्रकाशन में अभी प्रभु जी लगे हुए हैं। श्री हमारे प्रभु जी अभी हमारे श्री कृष्णदास प्रभु जी आपको कुछ कथा सुनाए। नहीं थोड़ा सा बस ठीक है, पीछे हो जाएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सी श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी के अंतरंग पार्षद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सी श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। कल विशेष तिथि थी, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने वैष्णवों की महिमा का गुण कीर्तन श्रवण किया। आज भी विशेष तिथि है, ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि इतने सुंदर हरि कथा हम लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल पूज्यपाद प्रभु जी एक बात बता रहे थे कि वैष्णवों का जो आचरण होता है वही अपने आप में शिक्षा है, उनको कुछ उपदेश प्रदान करने की आवश्यकता भी नहीं होती। जो वैष्णवों का आचरण है वो अपने आप में ही शिक्षा है, उसको देखने से, उसको श्रवण करने से, उसको ग्रहण करने से, उसका अनुसरण करने से ही हमारी भक्ति में प्रगति हो जाएगी। इसी प्रकार से श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी, उनका जो प्रत्येक बात है वो स्वयं ही अपने आप में ही एक शिक्षा है। बस यह है कि जब तक हम लोग वैष्णवों के मुख से श्रवण नहीं करते तब तक हमको वो चीज़ पता नहीं चलती कि इसमें वो उनके आचरण में इस प्रकार की शिक्षा है। उसी प्रसंग में श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने जो अपना ग्रंथ प्रकाशित किया मेरे परम स्नेही प्रभुवर, उसमें उनके शिक्षाओं के संबंध में कुछ प्रसंग दिए गए हैं, उनको मैं गुण कीर्तन करने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम तो भक्त के जितने भी गुण हैं उनमें सर्वप्रधान गुण है कृष्णैक शरणम। भक्तों का सर्वप्रधान गुण है कृष्णैक शरणम। जैसे भगवान के अनंत गुण हैं उनमें सर्वप्रधान गुण है भक्त वात्सल्य, उसी प्रकार से भक्तों का भी सर्वप्रधान गुण है कृष्णैक शरणम। प्रातःकाल हम लोगों ने जो श्रवण किया कि श्रील महाराज जी ने किस प्रकार से निर्भीक
होकर के वहाँ पर जो जत मत तत्पत इत्यादि का खंडन किया, यह उनके व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है कि वह किस प्रकार से कृष्ण के शरणम थे। अगर व्यक्ति एकमात्र कृष्ण के शरण नहीं है तो वह इतनी भरी सभा में हजारों लोगों के बीच में इस प्रकार से निर्भीकता पूर्वक बात नहीं बोल सकता। एक नहीं उनके इस प्रकार के कितने सारे प्रमाण हैं। श्रीमद्भागवत में बताया, तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यंत मार्गा त्वयि बद्ध सहृदय त्वयाग विगुप्ता विचरंत निर्भया विनायक अनीक मूर्धसु प्रभु। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताया श्रीमद्भागवत में कि जो आपके भक्त लोग होते हैं वे कभी भी पथ से भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। बड़े बड़े तपस्वी योगी मुनि सबके विषय में श्रवण किया जाता है, वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, किंतु भगवान के भक्त क्यों नहीं भ्रष्ट हो सकते? तो या भी गुप्ता, क्योंकि वो आपके द्वारा पालित हैं। जब भगवान स्वयं ही उनकी रक्षा कर रहे हैं तो फिर वो मार्ग से भ्रष्ट भी कैसे हो सकते हैं? और वो निर्भय क्यों होते हैं? क्योंकि त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया, वो इसलिए निर्भय होकर के विचरण करते हैं। इस प्रकार निर्भीकता पूर्वक वो किसी भी सभा में कहीं पर भी जो सत्य वचन है, जो भगवान की महिमा है वास्तविक, उसको कीर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा, कि भगवान कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं, भगवान ही पालन करने वाले हैं। ये हम लोगों ने सुबह प्रातःकाल में ये श्रवण किया। उसके पश्चात श्रील महाराज जी ने भी अभी बताया किस प्रकार से जन्माष्टमी के उत्सव में उन्होंने कुछ भी नहीं है मठ में, किंतु केवल मात्र कृष्ण एक शरणम, अर्थात भगवान ही सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे जब भगवान का उत्सव है तो। और भक्त पूर्ण रूप से जब भगवान के ऊपर आश्रित हैं तो निश्चित रूप से भगवान को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का स्वयं का वचन है। इसी प्रकार से हम लोग श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में भी ऐसा श्रवण करते हैं। एक समय उन्होंने श्री अनंत वासुदेव मंदिर में वहाँ पर भी इस प्रकार का उत्सव आयोजन किया, उसमें सारे सारे वैष्णवों को निमंत्रण दिया, किंतु मठ में कुछ भी नहीं है, खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं है, कुछ भी बर्तन तक भी नहीं थे। उस उत्सव में भी ऐसा देखा गया, क्योंकि कृष्ण के शरणम श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, जब उन्होंने श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी से पूछा, महाराज कल तो उत्सव है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं देता है रसोई घर में, ना दाल चावल है, ना आटा है, सब्जी है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने कहा, आनंद लीला में प्रभु जाने। यद्यपि जो दूसरे ब्रह्मचारी थे मठ में उनका नाम था आनंद लीला में प्रभु, लेकिन श्री महाराज जी यहाँ पर बताते हैं कि उनका ये कहने का भाव क्या था, ये गूढ़ तात्पर्य क्या था। आनंद लीला में प्रभु कौन है? जो कृष्ण है वो आनंद, सदैव अपनी लीलाओं में आनंद में डूबे रहते हैं, ऐसे आनंद लीला में प्रभु जाने, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है उत्सव के लिए, मैंने वैष्णवों को निमंत्रण कर दिया, अब जो व्यवस्था करने के जो दायित्व है वो भी किसका है? वो भी उनका ही है। और फिर अगले दिन क्या हुआ, बड़ी आश्चर्यजनक घटना, सबेरे तक भी कुछ व्यवस्था नहीं। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी ने किसी प्रकार से जाकर के बर्तनों की व्यवस्था की, प्रसंग लंबा है इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ, बर्तनों को भी फिर चूल्हे पर भी चढ़ा दिया गया, अभी तक भी कुछ नहीं आया। चूल्हे पर चढ़ा करके उनके पानी रख करके गर्म कर रहे हैं, और उसी समय बस देखा थोड़ी देर में ही सब्जी आटा दाल चावल, कह रहे इतना सारा आया कि शाम तक भंडारा चलता रहा, तब भी खत्म नहीं हुआ। और वो जो इतना सारा जो सामान आया भंडार का कि वो एक महीने तक भी चलता रहा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका सबसे बड़ा जो गुण है कृष्ण एक शरणम, वो श्रील महाराज जी के जो चरित्र है, जो उनके आचरण है, उसमें किस प्रकार से पुनः पुनः परिलक्षित होता है, ये बात प्रकाशित करती है कि वो भगवान के निज जन हैं और श्रील प्रभुपाद जी के अंतरंग हैं। क्यों? क्योंकि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का हम लोगों ने श्रवण किया कि महाप्रभु ने अपने एक एक परिकर के माध्यम से एक एक चीज को प्रकाशित कराया, उसी प्रकार से संप्रदाय संरक्षण ये बहुत बड़ा दायित्व है, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। जैसे श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने, उन्होंने हमारे संप्रदाय के संरक्षण के लिए प्रस्थान त्रयी का टीका अनुवाद लिखा, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, वो भी एक आचार्य हैं, और उनके जो संप्रदाय का संरक्षण है उसके लिए जो उन्होंने चुना प्रस्थान त्रयी के लिए, उन्होंने श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को चुना, और इसी कारण से उन्होंने श्रील
भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने जो वेदांत सूत्र और उपनिषद और गीता भाष्य की रचना की। तो ये क्या है, संप्रदाय संरक्षण के लिए उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किया है उसके लिए हमारा जो गौड़ी संप्रदाय है, विशेष रूप से गौड़ी मठ, वो उनके लिए चिरऋणी रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो बताया, उनका प्रत्येक आचरण है, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो सब शिक्षा है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एक प्रसंग बताते हैं, उसमें एक समय जयपुर से विग्रह आने थे ट्रेन के माध्यम से और कृष्णनगर में उनको स्थापित करना था। मार्ग में रेल वाले तो ऐसे ही सब सामान को ऐसे फेंक देते हैं, तो उसमें क्या था, एक विग्रह की हाथ टूट गया। तो उस समय श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने पूछा कि अब तुम क्या करोगे, तो श्रील महाराज जी ने कहा कि मैं रेलवे वालों के खिलाफ मुकदमा करूंगा, उनके खिलाफ क्लेम करूंगा। तो श्रील महाराज जी ने कहा कि देखो, रेलवे वालों से पैसा वसूलना बड़ा मुश्किल काम है। तब श्रील महाराज जी ने फिर भी उनके ऊपर मुकदमा किया और पैसा उनसे लेकर के आए। जब ये बात श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी को बताई तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम तो यमराज के मुख से लेकर के आ गए, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और फिर ये जो बताया कि ये एक सामान्य संवाद जैसा लगता है, किंतु ये संवाद नहीं है सामान्य। बताया वैष्णवों की प्रत्येक क्रिया में ही हमारे लिए बड़ी बड़ी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। क्या शिक्षा दी उन्होंने यहाँ पर, उन्होंने फिर ये शिक्षा दी कि देखो, गुरु वैष्णवों की संपत्ति को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए हमको कितनी भी चेष्टा क्यों ना करनी पड़े, हमको करना चाहिए। यमराज ने महाराज जी के लिए एक नरसिंह कवच बनवाया और उनको प्रदान किया कि तुम इसको सदैव अपने साथ में रखना। बाद में जब वो स्थान को संरक्षण हो गया, मुकदमा जीत गए, तब वहाँ पर उत्सव हुआ। उस उत्सव में श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी भी गए थे। तो वहाँ पर श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने बड़ी चेष्टा की है, शेर के मुख से तुम लोग शिकार लेकर के आ गए, इस प्रकार से बात की। तो महाराज जी ने एक बात बताई, बड़ी शिक्षाप्रद बात है। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारा क्या सामर्थ्य है शेर के मुख से शिकार लेकर के आना, किंतु आप जैसे प्रभुपाद जी के जो पार्षद गण हैं, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम इस प्रकार से गुरु सेवा करने में समर्थ हो पाए हैं और गुरु सेवा करने के लिए निमित्त बन पाए हैं। ये हमारे जैसे साधकों के लिए इतनी बड़ी शिक्षा है, क्योंकि हम लोग जो छोटा से भी छोटा कार्य करते हैं उसमें हमारा अहंकार रहता है। हमने अच्छी कथा बोली, हमने अच्छा प्रचार किया, हमने अच्छा कीर्तन किया, जब तक इस प्रकार के भाव हमारे अंदर हैं तब तक माया निश्चित रूप से हमको पकड़ कर ही रखेगी। माया से हम छूट नहीं सकते, माया निश्चित रूप से पकड़ लेगी। इसलिए हमारे समस्त गुरु वर्ग ने ये हम लोगों को शिक्षा प्रदान की है कि किस प्रकार से हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है वो एकमात्र सब गुरु पर संपूर्ण रूप में गुरु परंपरा के गुरु जी के चरणों में किस प्रकार से समर्पण करना है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे भारतवर्ष में 64 मठों की स्थापना की और उनका श्रेय क्या स्वयं लिया, किसको, अपना पूर्ण जो समर्पण करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे गुरु पाद पद्म की कृपा से ही मैं ये सब कार्य संभव हुआ है, अर्थात उन्होंने संपूर्ण रूप में उसको अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने जब मायावाद का खंडन किया, कितना कितना उनको विघ्न बाधाएं आई। श्रील प्रभुपाद के प्रकट होने के पश्चात ही कल हम लोगों ने श्रवण किया था, उनको जेल में भी जाना पड़ा, मठ से एक रुपया भी लेकर के नहीं आए, और उसके बाद भी उन्होंने इतना सारा विपुल रूप से प्रचार कार्य किया, सब प्रकार से परिक्रमा प्रचार और ग्रंथ प्रकाशन सब कुछ किया, और उसका सब कुछ श्रेय किसको दिया, श्रील परम गुरुदेव। श्रील गुरुदेव इस ये अपने जो ग्रंथ है, जो परम गुरुदेव की बायोग्राफी, उसमें लिखते हैं कि वो श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की एक बात को श्रवण करते, कीर्तन करते हुए बार बार क्रंदन करने लगते थे कि मेरे जो प्रचार कार्य इत्यादि है इसमें इतनी सारी विघ्न बाधाएं हैं, इन सबको गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। क्यों, श्रील प्रभुपाद जी ने एक समय उनको श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए भेजा था। उस समय श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा था कि तुम निर्भीक होकर के प्रचार करो, तुम्हारे जितने भी विघ्न और बाधाएं हैं उनको मैं अपने ऊपर लेता हूं।
अर्थात करने वाले कौन है, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, श्रील प्रभुपाद। तो उन्होंने अपना सर्वस्व श्रील प्रभुपाद और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित कर दिया। इसी प्रकार से श्रील गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी हम देखते हैं क्या कि जब उनको युगाचार्य की उपाधि प्रदान की गई तब उन्होंने उस समय भी यहाँ पर भी दीनतापूर्वक ऐसे ही कहा था, यद्यपि मैं सब प्रकार से इस उपाधि के अयोग्य हूँ किंतु फिर भी ये जो अपने जो गुरुवर्ग हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, अर्थात ये किसी गौड़ीय संप्रदाय के एक वैष्णव को ये उपाधि प्रदान की गई यह करते हुए, और मैं इसको अपने गुरु वर्ग के चरणों में ही इसको समर्पित करता हूँ, अर्थात जो कुछ भी कर रहे हैं हम उसमें हम करता नहीं है। और यह बात तो गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता दी। अर्जुन ने बार बार सोच रहे मैं इनको मारूंगा, ये द्रोण है, ये भीष्म है, ये मेरे गुरुजन है, मैं इनको मारूंगा, तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं वैता निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव्य साचिन। हे अर्जुन, फिर भगवान ने एक एक का नाम लेकर के बताया, ये द्रोण, ये भीष्म, ये कर्ण और ये जितने भी लोग हैं ये सब तो मैंने निहता पूर्व में ही निश्चित कर दिया इनकी मृत्यु, मैंने ये सबको मार दिया है, तू बस निमित्त बन जा। तो इसी जो शिक्षा है इसी को शिला महाराज जी और शिला रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के जो बीच में संवाद है उससे यही शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से हमको सर्वस्व गुरु वैष्णव और गुरु परंपरा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, उसी में हमारा मंगल है। और यह वास्तविकता भी है, हम जैसे बद्ध जीव जो अपना ही चेतो दर्पण मार्जन करने में समर्थ नहीं है, हम किसी दूसरे बद्ध जीव को कैसे भजन में लगा सकते, जो वस्तु हमारे पास स्वयं नहीं है। गुरुदेव इस बात को कहते थे, तुम्हारी खुद की जेबें तो फटी हुई हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, तुम दूसरे को क्या दोगे। तो हमारी तो वैसी ही अवस्था है, हमारे अंदर स्वयं काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य भरे पड़े हैं और हम कहते हैं हमने दूसरे को प्रचार कर दिया, यह कैसे संभव है। अर्थात करने वाले श्री गुरु जी हैं। एक और उन्होंने जैसे अभी महाराज जी से हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से वो गुरु सेवा वैष्णव सेवा के लिए किस प्रकार से आग्रह करते थे। एक समय शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके उत्सव में शिल भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के मठ में गए उत्सव में, तो शिल रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने उनको ले जाकर के शिव जी का अपना वहाँ पर वो जो शिवलिंग है उनका दर्शन कराया और गोपेश्वर महादेव का दर्शन कराया और बोलने लगे, देखो पहले जब मैं अपने पूर्व आश्रम में शिव जी को तामसिक समझता था किंतु गुरु वैष्णवों की कृपा से मुझे इस तत्व की उपलब्धि हुई कि शिव जी तो परम वैष्णव हैं और बिना वैष्णवों की कृपा के हमको भक्ति राज्य में प्रवेश संभव ही नहीं है। जैसा भी महाराज जी बता रहे थे ना, सिद्धिर भवती वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारत आत्मना, कि हम अगर भगवान की सेवा करेंगे तो उसमें सिद्धि प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, संशय है इसमें, किंतु निसंशयस्तु अर्थात भक्तों की सेवा करने से हमको सिद्धि निश्चित रूप में प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए अब मेरा जो शिव जी हैं उनके प्रति परम वैष्णव, जो श्रीमद् भागवत में बताया वैष्णवानाम यथाशंभु, इस प्रकार का भाव है और उनकी कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने श्री गोपेश्वर महादेव की स्थापना करके ये वैष्णव सेवा की और वैष्णवों की कृपा की शिक्षा प्रदान की। और अभी जो प्रभु जी बता रहे थे जो वृंदा देवी का जो उन्होंने बताया और जो उन्होंने जो चित्र इत्यादि बनवाए उनमें देखो एक बड़ा विशेष चित्र बनाया कि उसमें सारी गोपियां रथ बनी हुई हैं और उनके ऊपर में राधा कृष्ण विराजमान। हमारे जैसे बद्ध जीवों के हृदय में इस प्रकार के संशय उत्पन्न हो जाते, किंतु मुख्य बात क्या है, हमको सदैव यह देखना चाहिए, जैसा कि मूल बात यह है कि कोई अगर प्रामाणिक वैष्णव है, अगर प्रामाणिक लोगों ने उनको प्रमाणिक किया हुआ है, प्रमाण दिया हुआ है, फिर उनमें संदेह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ वही मदन मोहन, तो ये जो लिया ना अब जगन्नाथ मंदिर में गए होंगे, फिर जगन्नाथ के सामने देखना वहाँ पर गोपी रथ बना, उसका नाम कंदर्प रथ है। हाँ, तो जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि ये कई सारी लीलाएं हैं हम जानते हैं, कई सारी लीलाएं ऐसी भी तो हैं जो हम नहीं जानते, तो वो जो हम नहीं जानते चित्त जगत में इतनी सारी अनंत लीलाएं होती, यद्यपि इसका शास्त्र में भी वर्णन है लेकिन
सदैव ये याद रखना चाहिए कि जो गुरु वैष्णव है वो भी शास्त्र के अधीन नहीं है। जैसा एक समय गुरु जी से किसी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कहाँ लिखा है, तो गुरुदेव ने बोला सब कुछ लिखा ही होगा तो हमारी क्या आवश्यकता है। क्या गुरु वैष्णव जो चीज जगत से आए वो केवल शास्त्र की बात ही बताएंगे, उससे अधिक कुछ बता नहीं सकते। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने उज्जवल नीलमणि इत्यादि में जो राधा जी के एक एक अलंकार का इतना सूक्ष्म विश्लेषण दिया है, कहाँ पर लिखा है। जो भक्ति के इतने जो कुछ भी वो जो वर्णन करते हैं, विप्लम भाव, उसका एक एक जो भाव को वर्णन किया है, जो चित्र जल प्रजल संजल इत्यादि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने तो सूत्र रूप में बता दिया, उस एक एक शब्द में एक एक भाव भरा हुआ है, कहाँ लिखा है। तो क्या हम श्रील रूप गोस्वामी जी के ऊपर प्रश्न उठाएंगे, उनसे ये प्रश्न करेंगे कि ये कौन से शास्त्र से पढ़ करके लिखा। वो चित जगत के वासी हैं, वो चित जगत में जितनी प्रकार की लीलाएं होती हैं वो उनको किसी को भी यहाँ पर प्रकाशित करने के लिए उनको जो आदेश प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। इसलिए उनके विषय में इस प्रकार का कोई भी संशय करना अपराध को ही जन्म देना है। इस प्रकार से श्रील महाराज जी की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और अभी समय हो चुका है। हाँ, श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी ने सर्वप्रथम 1000 रुपए श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज भारती गोस्वामी महाराज जी को दिए थे कि इस पर जो अभी मंदिर बनेगा उसके लिए ये मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ। इस प्रकार से बताया ना, मिलजुल करके किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की सेवा करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण I'm not afraid of the dark.
Thank you.
गौरंगा अंदर विका के धारी श्री राधा।